और ये आज इस धरती पे आप बैठे हैं, धोखा तो यही दिया गया था ना कि ये दीन के नाम पे बनाया गया, प्रोपोगंडा तो यही था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, धोखा तो यही दिया गया था ना कि ये वो इलाका होगा जहां इस्लाम नाफिज किया जाएगा, यहां दीन की बात की जाएगी, यहां का हुक्मरान कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करेगा। आज भी 108 साल की वो अम्मा कराची की एक बस्ती में रहती है, 1947 में उस अम्मा के 4 जवान बेटे हिंदुओं ने काट दिए थे और उसकी बेटी की इज्जत उसकी आंखों के सामने तार तार कर दी थी। वो 14 अगस्त का दिन आता है तो बूढ़ी अम्मा दो हाथ लहरा के बाजार में निकल आती है, कहती है हुक्मरानों मुझे बताओ तो सही मेरी बेटी की इज्जत क्यों लूटी थी, मुझे बताओ तो सही अगर इस्लाम नाफिज नहीं होना था तो मेरे 4 जिगर के टुकड़े क्यों काट दिए गए थे, क्यों हम लुटे, क्यों हमें सताया गया, क्यों हमें बेआबरू किया गया। मेरे अजीजों आज लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं, ना मौलवी बाज आता है, ना पीर बाज आता है, ना हुक्मरान बाज आता है, ना लीडर बाज आता है, तफरीक ही तफरीक है, तफरीक ही तफरीक है। पहले ये तफरीक है मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान नहीं पाकिस्तानी, और आप इस धरती पे नारा लगता है सबसे पहले पाकिस्तान, इस्लाम का नाम नहीं, पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं पंजाबी हूँ, उसके बाद फिर मैं गुजरावाला का हूँ, उसके बाद फिर मैं दखड़ का हूँ, दखड़ के बाद फिर मेरा मोहल्ला कौन सा है, और फिर मैं दूसरी की गली बर्दाश्त नहीं करता, मेरी गली पहले बननी चाहिए। बस ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले, हमें अपनी अपनी पड़ गई और मेरे मुस्तफा का दीन फिर से बेआबरू, रसूलुल्लाह का दीन फिर से बेआबरू, मस्जिदें बड़ी बड़ी, नमाजी कोई नहीं, इदारे बड़े बड़े, तलबा कोई नहीं। मेरे अजीजो मुझे माफ करना, आज उस मिजाज में आपको तलखी महसूस होगी, खूकरे हम्द से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, महफल भी वही अच्छी लगती है इस महफल में 10 सियासतदान स्टेज पे हो और उनको मौका दिया जाए, वो पैसे बांट रहे हो, नाथ खां तो अमीर हो गया, कव्वाल तो अमीर हो गया, इस कौम ने बड़े बड़े नादानों को रईस कर दिया, लेकिन दीन का नाम लेने वाला मौलवी भिखारी बन गया, वो बेचारा कभी खाल मांगने जाता है, वो बेचारा कभी खत्म के पैसे लेने जाता है, वो कभी कुल खानी पे जाता है, वो भिखारी बना दिया भिखारी, साजिश रची साजिश, दीन का मुबल्लिग भिखारी बन गया। हमने बड़ा धोखा किया इस दीन के साथ, दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, मैं कितों लब्बा उमर बहादुर, मैं कितों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। दोस्तों इतने धोखे, इतनी तकलीफें, इतनी अजीजतें इस दीन के साथ।